बैंक घोटाले में नाम आने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने मीडिया के सामने सफाई दी। शरद पवार ने बुधवार को कहा कि एमएससी बैंक मामले में मेरा नाम ईसीआईआर में दर्ज किया गया है, मैं एजेंसियों की जांच में सहयोग करूंगा, शुक्रवार को मैं प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होऊंगा, ये मेरे जीवन में दूसरी बार है। इससे पहले 1980 में मुझे एक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल में नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनआरसी को लेकर सियासी जुबान जंग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में सरकार बनने के बाद अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेशी यहां रहेंगे। हम जल्द ही संसद में नागरिक संशोधन विधेयक पेश करेंगे, इसके आधार पर एनआरसी पर जांच शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा जारी है। इस दौरान पीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील पर ऐलान कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, उन्हें कैंपेनर इन चीफ करार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ट्रेड डील के मसले पर दो ट्वीट किए। ट्वीट में लिखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती को देखते हुए हमें इस बात पर हैरानी हुई है कि ट्रेड डील पर कुछ तय नहीं हुआ है, यही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा कदम हो सकता था। भारत को ट्रेड पार्टनर का दर्जा मिलना इन्वेस्टर्स के उत्साह को बढ़ाने वाला हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फादर ऑफ इंडिया की उपाधि मिलने से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेफादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भड़क गए। ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाहिल बताया है। ओवैसी ने कहा कि ट्रंप को महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं पता, गांधी जी को पिता की उपाधि हासिल है। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव इलाके में सैमसंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दिल्ली पुलिस को कोरियाई मूल की महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर को जब वो सोकर उठी तो उनके घर का कीमती सामान चोरी हो चुका था। फिलहाल पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में यात्रियों के लिए बेहतर सेवाएं सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण मार्गों पर ट्रेनों का संचालन निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने पर विचार कर रही है। इसके लिए 27 सितंबर यानी शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। हनी ट्रैप केस के वजह से इस समय मध्य प्रदेश चर्चा में है। हनी ट्रैप में पकड़ी गई लड़कियों को पुलिस उनके गृह नगर में ले जाकर पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को 18 साल की मोनिका यादव को उसके गांव ले जाया गया जो राजगढ़ जिले में है। पुलिस ने मोनिका के पिता को कॉल कर गांव के बाहर ही बुलाया। मोनिका के पिता हीरालाल यादव से पूछताछ की। इसके साथ ही पुलिस ने गांव के सरपंच इंदर सिंह से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मोनिका ने सरपंच से कहा कि मुझे बचा लो, मुझे फंसाया जा रहा है, इस कांड में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेफादुल मुस्लिमीन अपनी सीटों की संख्या को 2 से डबल डिजिट तक पहुंचाने की जुगत में लगी हुई है। इसी के मद्देनजर ओवैसी ने महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन दलित नेता और भीमराव अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी उन्हें महज 8 सीटें देना चाहती है। तेलुगु कॉमेडियन वेणु माधव का 39 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका हैदराबाद के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्हें लीवर और किडनी से संबंधित बीमारी थी। जब उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई थी तो मंगलवार को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। ओवैसी ने झारखंड में राज्य और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एनआरसी पर बोलते हुए ओवैसी ने अमित शाह को घेरा। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि वो झारखंड में एनआरसी लाएंगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे आदिवासी भाइयों के अलावा और कोई शहरी साबित नहीं होगा।